बोले सो निहाल सत श्री अकाल की गूंज शब्द कीर्तन के साथ ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के समक्ष शीश नवाने और सेवा करने का उत्साह। आज रविवार को धर्मनगरी में आध्यात्मिक एवं मनमोहक दृश्य देखने को मिला। मौका था मीरी पीरी के मालिक श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी महाराज के प्रकाश उत्सव पर सजाए गए महान नगर कीर्तन का। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की छत्रछाया और पारंपरिक वेशभूषा में पंज प्यारों की अगुवाई में सजाए गए नगर कीर्तन में उमड़ी संगत की भीड़ ने न सिर्फ अपना शीश नवाया बल्कि श्रद्धा भाव के साथ श्री पालकी साहिब के आगे आगे रास्ता साफ भी किया। इतना ही नहीं, नगर कीर्तन के आगे संगत ने जल छिड़काव भी किया। इससे पहले हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान बाबा करमजीत सिंह बाबा, बुड्ढा दल निहंग सिंह, जत्थेबंदी के प्रमुख बलबीर सिंह सोलकर, संत बाबा जोगा सिंह करनाल वाले, कनिष्ठ उप प्रधान बाबा गुरमीत सिंह तिलोके वाला, महासचिव मोहनजीत सिंह पानीपत, ओएसडी भरपूर सिंह, कार्यकारिणी समिति मेंबर बीबी रविंदर कौर अजराणा, जसवंत सिंह दुनिया माजरा, गुरबख्श सिंह यमुनानगर वे है मेंबर, हरप्रीत सिंह बरौली, परमजीत सिंह माखा सीईओ, डीपी सिंह, सचिव सरबजीत सिंह, धर्म प्रचार सचिव मुख्तियार सिंह, कवलजीत सिंह अजराणा, अतिरिक्त सचिव राजपाल सिंह, अमला प्रभारी सुखदेव सिंह, जनरल ब्रांच इंचार्ज सतपाल सिंह, आईए सुरेंद्र सिंह, सुपरवाइजर बलजीत सिंह, लिपिक भूपेंद्र सिंह, यात्रा विभाग प्रभारी हरकीरत सिंह, मैनेजर जज सिंह तेजेंद्र सिंह मक्कड़ सहित भारी गिनती में संगत ने गुरुद्वारा साहिब में श्री दरबार साहिब में हाजिरी भरी। संगत को संबोधित करते हुए एचएसजीएमसी प्रधान बाबा करमजीत सिंह ने संगत से आह्वान किया कि सभी एकजुट होकर सेवा भाव से गुरु घर के लिए सहयोग करें, अपने बच्चों को नितनेम से जोड़ने के साथ साथ ऐतिहासिक दिनों के इतिहास की पूरी जानकारी दें। उन्होंने कहा कि हम सबको अपने बच्चों को ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन भी करवाने चाहिए, बच्चों को दस्तार एवं गुरबाणी के महत्व से अवगत करवाना चाहिए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष जथेदार भूपेंद्र सिंह असंध में महासचिव मोहनजीत सिंह ने कहा कि हम सबको श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के चरणों में लगकर अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। इसके उपरांत धर्मनगरी के ऐतिहासिक गुरुद्वारा पातशाही छठी से गुरु चरणों में अरदास के साथ महान नगर कीर्तन की शुरुआत शब्द कीर्तन और बोले सो निहाल सत श्री अकाल की गूंज के साथ हुई। भाई गुरदास सिंह ने गुरु चरणों में अरदास की। हजारों की तादाद में संगत ने फूलों से सुसज्जित श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पालकी साहिब के समक्ष शीश नवाया। ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब से जैसे ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की छत्रछाया और पंच प्यारों की अगुवाई में महान नगर कीर्तन आरंभ हुआ तो नतमस्तक होने के लिए संगत का हुजूम उमर पड़ा। नगर कीर्तन में यूपी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हरियाणा के अलग अलग जिलों की संगत विशेष रूप से शामिल हुई, जबकि कुरुक्षेत्र जिला की संगत ने भी उत्साहपूर्वक परिवार समेत गुरु साहिब के समक्ष हाजिरी भरी तथा विभिन्न स्थानों पर ठंडे पानी, जलजीरा, कुल्फी और अन्य खाद्य पदार्थों के स्टॉल लगाकर सेवा की। ये कीर्तन रेलवे रोड, कुटियावाली गली, गुलजारीलाल नंदा मार्ग, किला तेज प्रताप, छोटा बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, शास्त्री मार्केट, बिरला मंदिर से होकर गुरुद्वारा साहिब में संपन्न हुआ। समापन अवसर पर संगत ने रंग बिरंगी आतिशबाजी कर खुशी का इजहार भी किया। आमजन और संगत को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए यातायात प्रबंध का मोर्चा स्वयं हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के कर्मचारियों ने संभाले रखा। नगर कीर्तन के साथ साथ पूरे यातायात को सुचारू ढंग से चलाने और पंक्तिबद्ध संगत को लेकर चलने के लिए एचएसजीएमसी जनरल ब्रांच प्रभारी सतपाल सिंह ने अपनी टीम गुरविंदर सिंह, जगबीर सिंह, रेशम सिंह, तलविंदर सिंह, जगजीत सिंह, भूपिंदर सिंह, सरबजीत सिंह, मनप्रीत सिंह व अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर देर शाम तक यातायात की बागडोर संभाले रखी। बाबा बुड्ढा दल निहंग सिंह जत्थेबंदी के प्रमुख बाबा बलबीर सिंह ने श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी महाराज के प्रकाश उत्सव समागम में शिरकत की। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के समक्ष शीश नवाने के बाद उन्होंने कहा कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी अपना कार्य बाखूबी कर रही है। सेवा संभाल के बाद पहली बार बाबा करमजीत सिंह की अगुवाई में हरियाणा कमेटी ने जिस बेहतरीन ढंग से श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी का प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है वह एक काबिले तारीफ है। गुरुद्वारा साहिबान का प्रबंध बड़े ही बढ़िया तरीके से किया जा रहा है। इस दौरान एचएसजीएमसी प्रधान बाबा करमजीत सिंह ने बाबा बलबीर सिंह को सम्मानित भी किया।